तो जय साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व एनएचजी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारा एकेडमी बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान गेट नंबर 1 बिस्कोमान और एफबीआई यहीं पे हमारा प्रैक्टिस चलता है, जहां मैं अभी खड़ा हूं। गेट नंबर 1 से अगर आते हैं तो इधर, गेट नंबर 7 से आते हैं तो आइए आगे बिल्कुल गेट नंबर 1 तरफ, गेट नंबर 5 से आते हैं तो आइए गेट नंबर 1 की तरफ, गेट नंबर 10 से आते हैं तो आइए गेट नंबर 1 की तरफ। हमारा जो छात्रावास है गेट नंबर 8 के सामने, वहाँ से 400 मीटर की दूरी पे वाज का है। गेट नंबर 7 के सामने जो बाकड़गंज का रास्ता जाता है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे लड़कियों का हॉस्टल। हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर आते हैं तो मन बना के आइएगा, तन बना के आइएगा और धन लेके आइएगा। हम बात करेंगे आगे बिहार पुलिस का स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं, कैसे आपका रिटर्न निकलेगा। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सेटिंग होगा तो स्कोर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं इस बिंदु के ऊपर बात करूंगा। अगर आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपका सारा, अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो आपको टेंशन आधा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, अगर वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे क्या वीडियो में बताना है आप भी भूल जाओगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार पुलिस 21,391, बहुत बड़ा महाकुंभ है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। बहुत सारे गाँव घर घर से बच्चे इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएंगे। आगे भी 19,000 कुछ पद पे आ रहा है, इसमें डायल 112 भी होगा, फिर 2000 पद पे चालक भी आ रहा है। तो अब कितना बिहार सरकार जॉब थी, आपको लेने की हिम्मत चाहिए, लेने की शिद्दत चाहिए और लगन होनी चाहिए लेने की। हम बात करेंगे कुछ बिंदुओं पे, अगर आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ऐसे ही जैसे आप हर बार फंसते आ रहे हैं, इस बार भी फंसे रहेंगे। हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर बहुत सारे बच्चों को आ रहा है कि मैं 60 स्कोर कर रहा हूँ, मैं 70 कर रहा हूँ, कोई 80 कर रहा है, कोई 90 तक भी पहुँच रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, लड़का और लड़की लोग, जो 60 प्लस स्कोर करता है, लेकिन उनका रनिंग में देखिएगा तो रनिंग में भी उनका 76 नंबर, 86 नंबर, 96 नंबर तक फिजिकल भी है। तो नौकरी किसका लगेगा तय आप कर लीजिए यहीं से। रिटेन का स्कोर भी बताऊँगा, लड़की से शुरू करूँगा और लड़कों से शुरू करूँगा। मैं पूरे बिहार का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ज्ञान बिंदु स्टडी मोड का जो मेरे से क्लोज में दोनों टीचर लोग हैं, स्टडी मोड के अमित तिवारी सर, ज्ञान बिंदु के रोशन जी, यहाँ तक मैं स्कोर पूछ रहा था कि क्या बच्चों का स्कोर जा रहा है, बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूं कि पूरे बिहार का जब टेस्ट सीरीज ये लोग लगाते हैं तो 90% बच्चे फेलियर हैं, फेलियर 90% बच्चे फेल हैं, 10% बच्चे केवल पास हैं, और भी पासी मार्क्स बहुत से बच्चों का कम है। मैंने एक चीज बताऊं कि बिल्कुल ही कैसे तैयारी बच्चे कर रहे हैं मुझे भी पता नहीं है, और क्या बोल रहे हैं। मैं बिहार पुलिस का बहुत जाता हूं, मछुआ टोली या मखनिया कुआं या भिकना पहाड़ी या मुसल्लापुर हाट में शाम को या कभी सुबह बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे वहाँ मेरे क्लोज में भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बात करता हूँ कि क्या किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो। गुरुजी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, गुरुजी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं गुरुजी? ज्ञान बिंदु में जाते हैं पढ़ने के लिए, गुरुजी स्टडी मोड में जाते हैं पढ़ने के लिए। स्कोर कितना करते हो? तो गुरुजी स्कोर थोड़ा सा कम हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी बिंदु पे, इसी पहलू पे बात करूंगा कि 18 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 17.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मैं ओपन में बैठा दीजिए। अभी टेस्ट लगेगा संडे को, आइएगा, ओपन टेस्ट है। गांधी जी की मूर्ति के नीचे बिल्कुल हमारे संस्था से बगल में गांधी जी का मूर्ति है, वहाँ पर संडे को टेस्ट होगा, ओपन टेस्ट होगा, कैमरे में रिकॉर्डिंग टेस्ट होगा, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देख लीजिएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी चाहते हैं तो आइए सुबह में 6 बजे संडे के दिन पहुँच जाइएगा, यहाँ पर टेस्ट लगेगा उस दिन। स्टडी मोड और भोजपुर फिजिकल एकेडमी की तरफ से वो टेस्ट होगा। आप अपने आप को देखिए कि आप कितने पानी में हैं, आपका क्या औकात क्या है। तो मैं प्यारे बच्चों बता दूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को देखिए अगर बिहार पुलिस आपको क्लियर करना है। 21,391 में अगर मैं देखूं तो 17.5 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक अपना सिलेबस नहीं पता है, जिनको सिलेबस का ए नहीं पता है, जिनका सिलेबस जेड तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे सारे विद्यार्थी भी इस बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ सेफ स्कोर बताऊंगा, डरिए मत, सेटिंग से मत डरिए, सेटिंग होता है तो आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा।
मैं वो भी उसके ऊपर भी ओपन बात करूंगा, खुल के बात करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों अगर सेटिंग होता भी है, 10,000-20,000 लड़के अगर सेटिंग से आ भी जाते हैं तो आपका संख्या पढ़ने वालों का ज़्यादा होगा। और पूरे बिहार के अगर एक कंक्लूजन निकाल के हम लेके आए, पूरे बिहार का अगर एक आंकड़ा निकाल के लाएं तो 50,000 मुश्किल से बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वहीं दरोगा का पीटी भी निकालते हैं, वहीं बिहार पुलिस का रिटायरमेंट निकालते हैं, लेकिन वो छट जाते हैं फिजिकल में। क्यों छट जाते हैं? क्योंकि वो प्लानिंग से नहीं काम करते हैं, वो बस लगे रहते हैं, बोले अभी पढ़ लो रिटेन निकल जाएगा तो दौड़ लेंगे, और जब ग्राउंड में आते हैं तो बोले हम फलाना मास्टर के पास गए थे फेल करा दिया, हम फलाना एकेडमी में गए थे फेल करा दिया। एकेडमी वाला फेल नहीं कराता है, ये आप अपनी जिम्मेदारी, आप अपने जो प्लान है, आप अपने जो मेहनत है, इसकी वजह से फेल होते हैं, कोई एकेडमी वाला फेल नहीं कराता है। एक प्लान बनाइए, एक स्कोर जो बताऊंगा कि जनरल EWS BC EBC SC और ST लड़कों का अगर, लड़कियों का अगर इतना स्कोर कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो निफिक्र रख रहो आपका रिटेन निकल जाएगा। फिजिकल का भी स्कोर बताऊंगा, सेफ स्कोर बताऊंगा, और रिटेन का भी सेफ स्कोर बताऊंगा। अगर सेटिंग वाले भी आते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अगर आप पढ़ने वाले हो तो। 50,000 विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, उसके अलावा कोई नहीं है पढ़ने वाला, मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि 50,000 विद्यार्थी केवल पढ़ने वाले हैं, बाकी कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो आप डरिए नहीं, उस 50,000 में भी अगर स्थान बना लिए ना तो आपका नौकरी हो जाएगा, अगर दौड़ने वाले बच्चे हैं तो। जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर लड़का पार्टी 50-55 से 60 तक स्कोर कर रहा है, मैक्सिमम 60, जनरल कैटेगरी अदर स्टेट का है तो उसको नौकरी हो जाएगा। लेकिन फिजिकल का भी स्कोर बताऊंगा, वो भी ध्यान दीजिएगा, खाली रिटेन का ध्यान मत दीजिएगा, फिजिकल पर भी ध्यान दीजिएगा। अब दोनों का मिलाकर कितना स्कोर आ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ना, हम बता देंगे कि आपका लगेगा कि नहीं लगेगा, आप है बिहार पुलिस के लायक कि हैं कि नहीं है। जनरल कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट से हैं, 50-55-60 अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं लड़का पार्टी, तो आपका नौकरी हो जाएगा। EWS से हैं, 45-50-55 अगर स्कोर हो रहा है, ज्ञान बिंदु, स्टडी मोड, कौटिल्या, चक्षु या किसी भी पब्लिकेशन से 45-50-55 स्कोर हो रहा है EWS OBC EBC, तब तो आपका कट ऑफ बिल्कुल इतना ही जाएगा, आपका नौकरी हो जाएगा, 1,07,000 में आप स्थान बना लीजिएगा। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को देखिए आजू बाजू में कि कौन लड़का पढ़ रहा है, कौन लड़का टाइम पास कर रहा है, उनसे कंपेरिजन कीजिए, ग्राउंड में, गाँव में, देहात में, हीते नाते देखिए कितना स्कोर करने वाला बच्चा है आपके बीच में। SC और ST का बच्चा 40 पास हो जाएगा, खाली 40 पास। मैं इसलिए स्कोर ये बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि दिल्ली पुलिस का भी आप देखे होंगे, या 689 का देखे होंगे, या दरोगा का देखे होंगे, कितना कट ऑफ कम गया था दिल्ली पुलिस में, 65 एबव, ऑल इंडिया बेसिस पे लड़के पढ़ने वाले आते, लेकिन 65 पे क्लोज। तो आप बताइए, इतना स्कोर अगर बिहार भर में कर दीजिए महाराज, नौकरी नहीं होगा। इतने बिहार में पढ़ने वाले लड़के हैं नहीं है, मैं भी टेस्ट दे रहा हूँ, आइए ना गांधी मैदान में संडे के दिन, पता चल जाएगा कितने पानी में है आप। सुबह 6 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, लेट मत कीजिएगा। हम अभी बात करेंगे लड़कियों का, कि लड़की पार्टी अगर आप पासिंग मार्क्स 36 अगर पास हो जाओगे ना रिटेन में, तो नौकरी हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, खाली पास तुम हो जाओ, 8,000-9,000 तुम्हारे लिए सेपरेट वैकेंसी है, सेफ वैकेंसी है, इस वैकेंसी में कोई तुम्हारा कोई नहीं ले जाएगा, तुम ही ले जाओगी, और लड़कों का जनरल में नंबर खा जाओगी। तो इसलिए अगर तुम पास हो रही हो, फिजिकल में मेहनत करो, तुम्हारी नौकरी की गारंटी है। हाँ, अब बात करेंगे हम फिजिकल के स्कोर के बारे में। अगर फिजिकल में इतना स्कोर कर रहे हो, जनरल OBC EBC और EWS के बच्चे अगर रनिंग में 30 से 40 नंबर लाइएगा, तब आपका नौकरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। लड़का हो चाहे लड़की हो, 30 नंबर 40 नंबर अगर आपका आएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 30 नंबर 40 नंबर, 40 नंबर के लिए 6 महीने आपको मेहनत करना पड़ेगा, और 30 नंबर के लिए आपको 3 महीना से 4 महीना मेहनत करना पड़ेगा, और 20 नंबर के लिए भी आपको 3 महीना, और पास होने के लिए भी आपको 3 महीना, और नहीं पास होने के लिए आप आइएगा ना एग्जाम के बाद, देखा जाएगा। हम सबके लिए नहीं बता रहे हैं, हम जो आप स्कोर बता रहे हैं ना, ये दोनों चीज़ देखिएगा कि आप बैलेंस में है स्कोर, ये रिटेन और फिजिकल दोनों बैलेंस में है आपका, तब आप कमेंट, ऐसे वीडियो आधा देख के कमेंट मत कर दीजिए, आप दोनों बैलेंस देखिए, हम कमेंट में बता देंगे कि आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा। 4 महीने 5 महीने का, यहाँ ज्ञान बिंदु का भी सेट चलना शुरू हो गया, स्टडी मोड का दिन में 3-3 क्लास शुरू हो गया, आइए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, हम आपके लिए फ्री कर दिए 40 दिन का, आप भी प्लान बनाइए, हम भी प्लान बना लिए, आइए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है,
सुबह में 2 घंटा मेहनत कीजिए, शारीरिक मेहनत कीजिए और दिन भर पढ़िए, बैठ के सेट लगाइए, ज्ञान बिंदु का सेट लगाइए, स्टडी मोड का सेट लगाइए, मारा नौकरिया फ्री में हो जाए, फ्री में हो जाएगा। 2 घंटा जाइए दिन में, बैठ के पढ़िए वहाँ पे सेट, वहाँ पे डीपली कुछ उनसे नॉलेज लीजिए, फ्री में नौकरी हो जाएगा। हमारा स्टडी मोड का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आइए पढ़िए जाइए, नौकरी हो जाएगा। जब नौकरी लगेगा तो कुछ दक्षिणा गुरु जी को दे दीजिएगा, अमित तिवारी सर। तो ये दोनों सेफ स्कोर मैंने बताया, रिटर्न का भी और फिजिकल का भी। अगर इतना हो रहा है तब तो आप बिहार पुलिस का सपना देखिए, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आते हैं एक दिन में गायब, कहा हो गया, अरे गुरुजी बड़ी कष्ट हो गया, नींद नहीं खुला। बेटा नींद तो खुलेगा, चिंता मत की, बिहारियों का नींद या तो दिल्ली में खुलता है, कलकत्ता में, नहीं तो मुंबई में, नहीं तो चेन्नई में, जम्मू कश्मीर में, जब लात खाते हो ना बिहारी के नाम से तब नींद खुलेगा। आज मेहनत कर लो, कल की जिंदगी सुपर 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 जाएगी। आज सुपर की जिंदगी जी रहे हो तो कल स्वीपर की जिंदगी जीना पड़ेगा। तो आपको करना है मेहनत, आपको करना है। सेफ स्कोर मैंने दोनों बता दिया, क्या आप दोनों का सेफ स्कोर है, रिटर्न का और फिजिकल का भी, दोनों का? आप रिटर्न में कितना स्कोर करते हैं और फिजिकल में कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, मैं वहीं लिख के बता दूंगा आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा, आपका मेहनत करना जायज है या नहीं। आप खाली कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा ना कि गुरुजी मैं इतना स्कोर कर रहा हूँ, गुरुजी मेरा स्कोर ये हो रहा है, गुरुजी मेरा रिटेन में ये स्कोर है, गुरुजी मेरा फिजिकल में ये स्कोर है। दोनों का मैसेज कीजिएगा, एक का नहीं, आधा अधूरा नहीं। आप 2-3 साल पहले दौड़े होंगे तो उसको मत काउंट कीजिएगा। आज आपका स्कोर क्या हो रहा है फिजिकल में, आज आपका स्कोर क्या हो रहा है रिटेन में, मैं वही कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा, या आपका नौकरी अगले भर्ती में होगा या इस भर्ती में, मैं वही बता दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी समय है, 40 दिन का प्लान बनाइए, प्लान के हिसाब से काम कीजिए, रनिंग और रिटेन दोनों की तैयारी एक साथ अगर करना है तो आइए भोजपुर फिजिकल एकेडमी मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में, आपका स्वागत है। यहाँ पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, लड़का लड़की के लिए सेपरेट सेपरेट, पहले आइए पहले पाइए, बिल्कुल नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। नॉमिनल चार्ज है, फिजिकल का, हॉस्टल का, सारे फैसिलिटी अवेलेबल, रिटेन का। अब यार कितना आपके लिए व्यवस्था कराया जाए, कितना फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, रिटेन फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, हॉस्टल में रहिएगा खाइएगा उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। आइए एक बार आपका स्वागत है, बढ़िया से अगर मेहनत कर रहा होगा तो आइए, आपके लिए हम यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं, रिटर्न का पूरा व्यवस्था है। आइए बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से दौड़िए और जाइए महाराज नौकरी कीजिए, दोबारा ये भर्ती नहीं आएगा इतना बड़ा। आप सेटिंग के भरोसे बैठे होंगे तो हो सकता है कि आपका लगे, लेकिन गारंटी नहीं है उसका, वो वही हो गया, वो हेड और टेल वाली बात हो जाएगी, हेड तो हेड और टेल तो टेल। आपके किस्मत में क्या आया आप भी नहीं जानते, क्या आएगा आप भी नहीं जानते, तो मेरे लेकिन मेहनत अगर आप करेंगे तो सिक्का उछलेगा। आप बोल दीजिएगा हेड तो हेड ही आएगा, आप बोल दीजिएगा टेल तो टेल ही आएगा। तय आपको करना है, नौकरी आपको करना है तो तय भी आपको करना है। हाई जम्प, शॉर्ट पुट्स, रनिंग प्रैक्टिस करते रहिए और रिटेन का प्रैक्टिस है यार, 3 घंटा दिन में, 3 घंटा रात में पढ़ लीजिए महाराज, बहुत है। सोने से सुबह एक सेट लगाइए और रात को सोने से पहले एक सेट लगाइए, 2 सेट लगाइए, अपने स्कोर को देखिए कि आज मैंने दिन भर में कितना मेहनत किया। जिसको पढ़ते हैं उस चीज़ का सेट लगा लीजिए, जिस चीज़ को आज पढ़े उस चीज़ का सेट लगा लीजिए। अगर आप मान लीजिए सेट में 100 में 30 स्कोर किए तो 30 तो आपका हो गया, लेकिन जो 70 बच गया उसको याद कर जाइए, उसको रट जाइए, अब फिर परसों उसी टेस्ट को फिर से लगा लीजिए, फिर देखिए कितना स्कोर होता है। ये प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग के हिसाब से चलिएगा तब तो नौकरी हो जाएगा। आना ही तो आप ही भरोसे में बैठे रहिए, कोई आपके भरोसे बैठा हुआ है, कोई मेहनत करने के भरोसे बैठा हुआ है, तो मेहनत करने वालों की नौकरी होगी, अब बाकी देखने वाले देखते रह जाएंगे। 107,000 में केवल और केवल 21,391 लड़कों का ही लगेगा। आपका स्कोर पक्का कमेंट कीजिएगा और ये मेरा वीडियो छोटा संदेश था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको नीड है बिहार पुलिस का जॉब। नहीं तो 1275 के दरोगा लोगों से सीखिए, 3 महीना समय मिला, 90 दिन, 60% बच्चे फेल हैं रनिंग में, 60% का फेलियर का आया, 689 में 90% लड़के फेल हुए थे, 650 में 44 को 42 को कितना मुझे पता नहीं है, इतना तो खाली चला गया था सीट, खाली चला गया था, किससे? फिजिकल की वजह से। जितने भी लड़के आए थे रिटर्न की तैयारी करने के बाद वो सारे के सारे फेल हो गए, एक भी पास नहीं हुआ, सिंगल लड़का भी पास नहीं हुआ।
अगर कोई पास हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ना कि आप खाली पढ़ते थे और पढ़ने के बाद रिटर्न निकलने के बाद आए थे, आप पास हो गए थे, आप पास नहीं हुए थे, आप फेल हुए थे। अभी भी आपको फेल होना है क्या? 689 से अभी नहीं सीखे हैं। आपका रिटर्न अच्छा है तो ग्राउंड पकड़ लीजिए, अगर ग्राउंड अच्छा है तो रिटर्न पर ध्यान दीजिए। दोनों को बैलेंस लेकर चलिए, नौकरी फ्री में होगा। ये छोटा संदेश था उन बच्चों के लिए जिनको नीड है 21,391 की भर्ती, सिंगल भर्ती। थैंक यू। जय हिंद।